हेलो एवरीवन, हेलो वेज किचन में आपका स्वागत है। आज हम घर पर ही 3 मिनट में सॉल्टेड काजू बादाम तैयार करेंगे, तो वीडियो के साथ में लास्ट तक बने रहिए। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ मैंने लिया है 1 कटोरी काजू और 1 कटोरी बादाम। साबुत काजू का मैं यूज़ कर रही हूँ। तो गैस ऑन कर दी है मैंने और कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है। इसमें मैं डाल रही हूँ 5 चम्मच घी। हमें इसमें बहुत ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काजू बादाम ज़्यादा घी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। 1 कटोरी काजू मैंने इसमें डाल दिए हैं। उसको हम लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। काजू बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तो देखिए, इसको फ्राई करते हुए 2 मिनट हो गए हैं और इनका हल्का कलर चेंज हो गया है। बस हमें इसे 1 मिनट और फ्राई करना है। तो ये लीजिए, 3 मिनट में आप देख सकते हैं इसमें हल्का हल्का गोल्डन कलर आ गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ करके इनको निकाल देंगे एक बाउल में। और निकालते टाइम हम इसका जो एक्स्ट्रा घी है वह है इस तरह से कढ़ाई में ही झाड़ लेंगे। देखिए, सभी काजू हमने बाउल में निकाल दिए हैं। आप इनकी आवाज़ सुन सकते हैं, एकदम क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। अब इसमें हम मिलाएंगे नमक। नमक गरम गरम काजू में हमें मिलाना है जिससे कि इसके ऊपर एक अच्छी कोटिंग आ जाए नमक की। और नमक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ना ऐड करें। मैंने इसमें बस 1/4 चम्मच नमक ऐड किया है, इतना ही काफ़ी है। और देखिए, इसकी आवाज़ से आपको पता चल रहा है कि एकदम बढ़िया से फ्राई हो गए हैं। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और इसी घी में हम बादाम फ्राई करेंगे। तो एक बाउल बादाम हम इसमें डाल देंगे। इसको भी हम लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे। अगर आपको घी थोड़ा कम लग रहा है तो इसमें 1 चम्मच घी और डाला जा सकता है। ज़्यादा घी हमें नहीं डालना है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच देसी घी। जब भी कभी आप काजू बादाम को फ्राई करें तो उसमें देसी घी का ही यूज़ करें, तेल का यूज़ बिल्कुल भी ना करें, उससे इनका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। बादाम को फ्राई करते हुए 3 मिनट हो गए हैं और इसमें आप ये जो क्रैकिंग देख रहे हैं इसका मतलब यह है कि एकदम बढ़िया से फ्राई हो गए हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको निकाल लेंगे एक बाउल में। इसको निकालते समय इसका एक्स्ट्रा घी झाड़ लेंगे और फिर इसको हम निकाल देंगे बाउल में। सभी बादाम निकालने के बाद कढ़ाई में जो घी बचेगा उस घी में आप मूंगफली को भी फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए, सभी बादाम हमने बाउल में निकाल लिए हैं। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, एकदम क्रिस्पी। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, लगभग 1/4 चम्मच, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, काजू बादाम को जब भी आप फ्राई करें तो उसको फ्राई करते ही तुरंत गर्मा गर्म सर्व ना करें। उसको पहले थोड़ा सा ठंडा हो जाने दें। ठंडा होने पे ये एकदम क्रिस्पी हो जाते हैं और गर्म गर्म जब आप इसको अगर टेस्ट करेंगे तो ये थोड़े से सॉफ्ट लगेंगे आपको। तो देखिए, काजू बादाम ठंडे हो गए हैं। अब इसको हम तोड़कर चेक कर लेते हैं। ये देखिए, आपने इसकी कट की आवाज़ सुनी, ये एकदम क्रिस्पी है। फिर देखिए, बादाम भी एकदम अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अभी ये देखने में आपको थोड़े से चिकने लग रहे होंगे, पर जैसे जैसे ये ठंडे होते जाते हैं इसमें घी एकदम गायब हो जाता है। ये देखिए, अभी इसमें बिल्कुल भी घी नहीं है। इसको हम एयरटाइट बॉक्स में डालकर स्टोर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।